इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहाँ पर तेलंगाना ट्रांसपोर्ट के जो लोग हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग है जिस तरह से 2014 का जो ट्रांसपोर्ट का बिल है वो संसद में इनकी मांग है कि उसको रद्द किया जाए, उसकी मुखालफत करने के लिए आज ये लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर तेलंगाना से लोग आए हुए हैं, हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। इस समय सेशन का टाइम चल रहा है, ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इनकी मांगे हैं और जो बिल अब संसद में 2014 में पास होने वाला है उसकी मुखालफत करने आए लोग आए हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं इनकी। सर आप बताइए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज यहाँ पर तेलंगाना आर्टिस्ट एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से, पूरे हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे जनरल सेक्रेटरी राजारेड्डी साहब और हमारे पूरे स्टेट के लीडर्स यहाँ पर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, जो वर्करों का जो बिल आने पार्लियामेंट में जो कोशिश कर रहे हैं उसकी मुखालिफत में आज पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग जमाए हुए ताकि ये बिल पार्लियामेंट में पास ना हो। ये बिल हमारे वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि तमाम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान का, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं उसका तो मजाक हो गया रहेगा। अच्छे दिन का मतलब ये हुआ कि आज भारत के पास जितने भी लोग वर्कर यहाँ पर है, आज यहाँ पर जो पुस्तक जमा हुए, अगर ये पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तो एक एक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करा तो उसको 3 लाख रुपए जुर्माना भरेंगे। और ये हमारी यूनियन तेलंगाना मजदूर एम्प्लॉयज ये कितना सहमत है मोदी सरकार से, क्योंकि मोदी सरकार की नीति में यह बात बिल्कुल सहमत नहीं है हम मोदी सरकार से। अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन आ रहे हैं, वो जो अभी बहुत ही शर्मनाक बात है ये। इसके लिए कहीं ना कहीं कोई भी सहमत नहीं होता दिख रहा है मोदी सरकार के अच्छे दिन से। लोग यहाँ पर हैं, देख सकते हैं यहाँ पे विमेंस आई भी हुई हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर बात की जाए मोदी सरकार की तो मोदी सरकार से कोई भी खुश होता हुआ नहीं दिख रहा है। 2014 का बिल जो ट्रांसपोर्ट का पास होना है उसको लेकर आज तेलंगाना के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिरकार जो अच्छे दिन के वादे मोदी सरकार ने किए थे वो कब देश की जनता को देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।